पूरे एक महीने तक लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े के साथ साथ इबादत करते हैं। और ये महीना एक तरह से दुआओं का भी महीना है, दान का भी महीना है और दानिश वर्दी का भी महीना है। उसके साथ ही साथ जो है वो मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सभी मज़हबों के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जितने भी दुनिया के मज़हब हैं। और हर मज़हब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद हमें खुशहाली के साथ साथ मेरे मुल्क की तरक्की, मेरे मुल्क के तहसुब तहफ़ और सुरक्षा मजबूत करे, इसकी दुआ है। बहुत बहुत आप सब मुबारकबाद ईद की।